हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पर कानून हुआ सख्त। एचआर ध्यान दें, किसी भी कंपनी के जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है और एम्प्लॉयर के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप अपने कंपनी में सेक्सुअल हरासमेंट पे ध्यान नहीं दिए हैं, वहाँ के वर्क प्लेस पे आपने टीम नहीं तैयार किया है, प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, तो आपके ऊपर अब बहुत बड़ी मोटी रकम का पेनल्टी लगने का शुरू हो चुका है। नियम पास हो चुका है, कानून सख्त हो गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर को। पीएफ डिपार्टमेंट ने अपना एक सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर नंबर 7620 27 सितंबर 2019 को, जिसमें इन्होंने कहा है कि इंटरनल कंप्लेंस कमिटी ICC अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का एक्ट 2013 के अनुसार आपको हर एक कंपनी को एक इंटरनल कंप्लेंस कमिटी बनाना है, ICC। दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे ICC का क्या प्रोविजन है, कितने मेंबर्स होते हैं, इस सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में इन्होंने कहा है कि इससे पहले भी इस सर्कुलर को 7620 सर्कुलर 27 सितंबर 2019 को जो आया है, इससे पहले भी दो सर्कुलर और निकाला गया था, 29 मई 2014 को और 8 जुलाई 2019 को। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 8 जुलाई 2019 वाला है। इसमें भी इन्होंने सेम चीज कहा था कि इस पे इन्होंने अब जो ये नोटिफिकेशन दिया था ये बहुत टफ दे दिया। इन्होंने कहा है कि एच पर सेक्शन 26 सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस का एक्ट जो 2013 का है उसका सेक्शन 26, ये हम आते हैं सेक्शन 26 पे। अगर ये 26 सेक्शन है, ये कहता है पेनल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ एक्ट, इसमें है ये प्रावधान देता है सेक्शन 26 कि अगर आप कंप्लायंस कंप्लीट नहीं करते हो तो उसपे क्या प्रोविजन है पेनल्टी लगाने का, उसके बारे में। इसमें भी सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी में देखेंगे कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ही शैल बी पुनिशेबल विद फाइन व्हिच में एक्सटेंड 50,000 रुपीज। यानी कि लॉ में ही 2013 में ही लॉ में लिख दिया गया था कि अगर आप इंटरनल कमिटी नहीं बनाते हो अपनी कंपनी में सेक्सुअल हरासमेंट केस में उसका निवारण करने के लिए, तो आप पे 50,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। उसके बाद इन्होंने कई बार, दो दो बार, जुलाई 2019 में भी, 2014 में भी इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दिया, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। अब इन्होंने फाइनल नोटिफिकेशन दे दिया। क्या दिया कि रेफरेंस वाज आल्सो मेड टू सेक्शन 26, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाया, ऑफ द सेड एक्ट वेयर इन इट इज स्टिपुलेटेड दैट इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू कंस्टिट्यूट एन इंटरनल कमिटी, अगर एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का मालिक इंटरनल कमिटी बनाने में फेल हो जाता है, कंस्टिट्यूट नहीं कर पाता है यानी नहीं बना पाता है, फेल हो जाता है, तो ही शैल बी पुनिशेबल विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड 50,000 रुपीज इन द फर्स्ट इंस्टेंस। यानी कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 50,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि अब ये एप्लीकेबल कब होगा, तो इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल बताया कि देयरफॉर इट इज अगेन रिक्वेस्टेड टू कंस्टिट्यूट, देखिए अभी तक तो गवर्नमेंट आपको रिक्वेस्ट मोड में है, लेकिन नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, टू कंस्टिट्यूट इंटरनल कंप्लेंस कमिटी इफ नॉट ऑलरेडी डन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द 2013 एक्ट एंड सेंड कंप्लायंस रिपोर्ट विद इन 15 डेज ऑफ इशू ऑफ दिस सर्कुलर। सर्कुलर इशू होने के 15 दिन के अंदर आप रिपोर्ट भेजिए, अदरवाइज आपको पकड़े जाने पर 50,000 रुपये की पेनल्टी होगी। अब यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट किसको कहा जाता है, इसका परिचय इन्होंने यहाँ पे दिया कि सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या चीजें आएंगे। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए ये हम लॉ पे आए, सेक्सुअल हरासमेंट का जो इन्होंने डेफिनेशन दिया है उसमें सबसे पहला आता है इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर, इन सब में से ये 5 कंडीशंस दिए हैं। 5 कंडीशन में कोई भी कंडीशन या सारा का सारा कंडीशन अगर किसी लेडीज के साथ होता है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। पहला दिया फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, फिजिकल रिलेशन यानी कि सेक्सुअल संबंध बनाने पे या उसको
मतलब निमंत्रण देने पे, यानी कि उसे कहने पे, और डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। अगर आप कोई सेक्स के लिए कोई डिमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सेक्सुअल फेवर मांगना चाहते हैं, यानी कि वही सेक्स रिलेशन बनाने के लिए, या मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अगर आप उसको सेक्सुअली टिप्पणी कोई करते हैं, टिप्पणी मतलब सपोज के लिए कोई गाली उस टाइप का देते हैं आप, या सेक्सुअल बॉडी के लैंग्वेज में कुछ आप बोलते हैं किसी महिला को, या शोइंग पोर्नोग्राफी, या आप किसी लड़की को या किसी महिला को जो वर्कर है, वर्क प्लेस पे है, फैक्ट्री में काम कर रही है, उसे आप पोर्नोग्राफी यानी कि ब्लू फिल्म यानी कि एडल्ट फिल्म आप उसे दिखाते हैं, या कोई तस्वीर दिखाते हैं, तो और एनी अदर अनवेलकम, इन चारों चीज में जो कवर हो गया वो तो हो गया। अगर इन चारों के बाद भी अगर किसी भी तरह का अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, अनवेलकम फिजिकल यानी कि कोई ऐसा हरकत आप करते हैं जो कि लेडीज एम्प्लॉयज को पसंद नहीं है, उसके शारीरिक रिलेशन के मतलब उसके बॉडी के साथ कोई ऐसा कोई काम आप करते हैं जो उसे पसंद नहीं है, चाहे वो वर्बल हो या चाहे लिखित में हो, या सपोज आपने कोई लेटर उसे दे दिया गंदी बातें लिख करके, सेक्सुअल बातें लिख के, तो इन सारे चीजों में वो अगर सेक्सुअल नेचर है तो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आ सकता है। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो लेडीज अगर हैं उनके लिए भी मैं एक ध्यान देने के बाद कहूँ, इन पांचों चीजों में अक्सर क्या होता है, ये चीजें एचआर मेन रूप से ध्यान दीजिएगा कि एचआर का ही काम है कंपनी में इस चीज को अप्लीकेबल करना, तो एचआर आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि कई केस में क्या होता है, लड़कियां गलत भी लगा देती हैं इल्जाम, जैसे आपने अभी मीटू का देखा था हल्ला, तो इस टाइप की भी चीजें होती हैं जिसमें कि कुछ झूठ रिपोर्ट्स भी आते हैं। मैं बताऊं रियलिटी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक्सपोर्ट हाउस में ये सब चीजें बहुत ज्यादा होता है, तो एक्सपोर्ट हाउस में एक लेदर कंपनी है, गुड़गांव में लेदर एक्सपोर्ट हाउस है, उसमें मैं आईसीसी की टीम में था, टीम मेंबर था, वहां पे डेली चार पांच ऐसे केस डेली के आते थे, डेली 1 घंटा हम चार पांच मेंबर्स का टाइम खराब होता था इन केसेस में, इसमें से कई से झूठे केस भी होते, तो इसके लिए भी क्या प्रोविजन है वो अगली वीडियो में हम इसी प्रोविजन में आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का केस आप लगाते हैं तो लॉ क्या कहती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, एचआर अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की प्रोविजन सही हो, कंपनी का सिस्टम सही हो, आपका आपके ओनर पे कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के फैक्ट्री मैनेजर को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आईसीसी जरूर बनाइए, ताकि इस कमिटी को बनाइए ताकि सही तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जा सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि 15 दिन की बात हुई है, यहाँ पे 27 तारीख को ये इशू हुआ है, और 4 दिन तो ऑटोमेटिक ऐसे ही हो गया, आपके पास 11 दिन बचा है, तो इसको फटाफट करिए। थैंक यू, बाय बाय।